हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि है। ज्ञान हिंदी टिप्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। मीशो इंडिया का नंबर वन रीसेलर एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के जरिए आज पूरे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग अपने घर बैठे काफ़ी अच्छी कमाई कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह से आप भी इस एप्लीकेशन के जरिए अपने घर बैठे बिना एक रुपया खर्चा किए अपने मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं, और कमाए हुए पैसे किस तरह से आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में ले पाएंगे वो भी सारी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो सके। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं सारी प्रोसेस। हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप मीशो रीसेलर एप्लीकेशन के जरिए काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं, वो भी बिना एक रुपया खर्चा किए। तो चलिए, अब मैंने अपना मोबाइल फोन का डिस्प्ले लैपटॉप की स्क्रीन पे ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल फोन में आपको मीशो एप्लीकेशन नजर आ रहा है। ये मैंने प्ले स्टोर में ओपन कर लिया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप इस पे क्लिक करके सीधे इस एप्लीकेशन पे आ सकते हैं। इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल यहाँ ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे ओपन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कंटिन्यू बटन दिख रहा है, आपको सिंपल यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं इस तरह से हमारे सामने अगला इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर सिंपल सा हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और उसके बाद हम ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ओटीपी एंटर कर दिया है। अब वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही हमारा नंबर वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल के आ गया है। अब सिंपल हमें कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते ही कुछ परमिशन अलाउ करना होता है, तो चलिए सिंपली मैं अलाउ पे क्लिक करके इसे अलाउ कर दे रहा हूँ। उसके बाद हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप देखेंगे एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा और पूरी तरह से रेडी हो चुका है। सबसे पहले आपको यहाँ अकाउंट जो ऑप्शन आ रहा है इस पे आपको सिंपल क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आप देखेंगे एंटर रेफरल कोड, आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे गेट एक्स्ट्रा 40%, तो यहाँ पर हमें एक रेफरल कोड एंटर करना होता है। जैसे ही वो रेफरल कोड एंटर करेंगे हमें 40% का यहाँ डिस्काउंट मिलेगा। तो रेफरल कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे वहां से कॉपी करके इसमें सिंपल पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद सबमिट बटन पे आपको इसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ये रेफरल कोड आपके फोन में अप्लाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमें अपना प्रोफाइल डिटेल एंटर करना होता है, तो ये मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं, आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे एडिट प्रोफाइल आपके सामने लिख के आ रहा है, आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम एंटर कर देना है। यहाँ अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर लीजिए और इसके बाद यहाँ आप देखेंगे लैंग्वेज स्पोकन ये एंटर कर लीजिए। अपने बारे में हम कुछ शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन डाल देंगे और यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम हम एंटर करेंगे और यहाँ पर अपना एड्रेस एंटर कर देंगे। हमारा जो रेसिडेंस एड्रेस है हम उसे यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो चलिए ये सारी डिटेल मैं यहाँ एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारा डिटेल एंटर कर दिया है। डिटेल एंटर करने के बाद सिंपल हम यहाँ सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। अब उसके बाद सिंपल यहाँ पर बैक पे क्लिक करके हम बैक हो जाएंगे और उसके बाद हम वापस से होम स्क्रीन दबा के होम पेज पे आ जाएंगे। तो इस तरह से अब आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से तैयार है। आप इस एप्लीकेशन के जरिए कमाई करना शुरू कर सकते हैं। अब आप जितने भी प्रोडक्ट शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को या उन लोगों को जिन्हें आप नहीं भी जानते हैं, अगर वो लोग ऑर्डर करते हैं तो आपको उसके ऊपर बहुत ही अच्छे कमीशन आप कमा सकते हैं। वो आप कैसे कमाएंगे वो सारा प्रोसेस मैं आपको अभी इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि प्रोडक्ट कहाँ से आप चूज करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कैटेगरी ऑप्शन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप कैटेगरी पे क्लिक करेंगे आपके फोन में कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर सारी कैटेगरीज आपके सामने दिख रही है, कौन कौन से कैटेगरीज के प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल है। यहाँ आप स्क्रोल करेंगे तो काफी सारी कैटेगरीज है और यहाँ पर वो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ नजर आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर कुर्ती चूज कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने काफी सारी कुर्ती ओपन हो गई है। यहाँ पर कई सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट
डिजाइन की डिफरेंट डिफरेंट कलर की कुर्ती अवेलेबल है। अब इनमें से आपको जो भी पसंद आता है आप उसे अपने दोस्तों से अपने रिश्तेदारों से शेयर कर सकते हैं और उसमें काफी अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप यहाँ से कुर्ती शेयर करेंगे और किस तरह से आप अपना कमीशन इसमें बनाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इस कुर्ती को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही हमारे सामने ये कुर्ती यहाँ ओपन होके आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो ये कुर्ती के जितने अलग अलग कलर्स में ये अवेलेबल है सारे कलर्स आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ आपको नजर आएगा इस प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट का क्वालिटी, ये प्रोडक्ट का फैब्रिक कौन सा है और प्रोडक्ट का साइज क्या है, प्रोडक्ट टाइप क्या है, स्टिच है अनस्टिच है, वो सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन की जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ये सारा डिस्क्रिप्शन कॉपी करने का। कॉपी करने के बाद यहाँ हम नीचे आएंगे तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप एक ही बार में ये सभी कलर्स की कुर्ती के इमेजेस अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे शेयर नाउ ऑप्शन आ रहा है, तो फिलहाल मैं शेयर नाउ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और आप देखेंगे हमारा व्हाट्सएप इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे कलर्स आ चुके हैं इमेज और हर इमेज के ऊपर यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ सिंपल मैं सेंड पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर सारे इमेजेस सेंड हो चुके हैं। अब सेंड करने के बाद यहाँ पर जो हमने डिस्क्रिप्शन कॉपी किया था उसे मैं यहाँ लॉन्ग प्रेस करूंगा और यहाँ मैं पेस्ट पे क्लिक करके इसे यहाँ से सिंपल सेंड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं जो कुर्ती अभी हमने इमेज सेंड किया उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर चला गया है। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं इसमें। अब आपने ये इमेज अपने जिस भी फ्रेंड को शेयर किया है, अगर आपके फ्रेंड ने इन तस्वीरों को देखा और जो कलर उसे पसंद आता है उसने अगर सिलेक्ट कर लिया और अगर आपके फ्रेंड ने पूछा इसका रेट कितना है, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि यहाँ पर कहीं भी डिस्क्रिप्शन में और ना ही किसी भी इमेज में इस प्रोडक्ट का रेट मेंशन नहीं किया गया है। ये प्रोडक्ट का रेट वही आपके फ्रेंड को पता चलेगा जो रेट आप बताएंगे। और अगर आपके फ्रेंड को रेट अच्छा लगता है, आपके फ्रेंड ने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, तो ऑर्डर करने के बाद जब भी पार्सल आपके फ्रेंड के घर पे पहुंचेगा उस वक्त जो पार्सल पहुंचेगा उस पार्सल के ऊपर कहीं भी मीशो का नाम नहीं लिखा रहेगा। आपके फ्रेंड को कभी नहीं मालूम पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट आपने अपने फ्रेंड को मीशो के जरिए भेजा है। आपके फ्रेंड को जब पार्सल रिसीव होगा पार्सल के ऊपर आपका नाम लिखा रहेगा और नीचे आपके फ्रेंड का नाम लिखा रहेगा। बस इस पे कहीं भी किसी भी जगह पे मीशो अपना नाम प्रिंट नहीं करता है। ऑर्डर किया आपके फ्रेंड ने तो आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको ये ऑर्डर करना है तो आप सिंपल यहाँ पर टैप कर दीजिए, ये प्रोडक्ट हमारे सामने इस तरह से खुल के आ जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऐड टू कार्ट ऑप्शन दिया गया है हमारे सामने, हमें सिंपल ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर साइज पूछा जाएगा तो आपको पहले ही अपने फ्रेंड से पूछ लेना होगा कि कौन सा साइज आपके फ्रेंड को लगेगा, मीडियम, लार्ज, एक्सेल या डबल एक्सेल। तो आप साइज यहाँ पूछ लीजिए। एग्जांपल के तौर पे मैं मीडियम यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद क्वांटिटी आपको कितना ऑर्डर बुक करना है वो यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे प्रोडक्ट आपके कार्ट में ऐड हो चुका है। अब आपको चेकआउट करना है तो यहाँ पर मैं चेकआउट बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही चेकआउट पे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। अब अगर आपके फ्रेंड ने ऑर्डर के साथ में आपको पैसे भी दे दिए हैं एडवांस में तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके फ्रेंड ने आपको पैसे नहीं दिए हैं तो यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपल प्रोसीड बटन पे दोबारा से क्लिक कर दीजिए। अब हमारे सामने अगला इंटरफेस खुल के आ गया है इस तरह से। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज दिखा देना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट लिखा है और उसके नीचे यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिस्काउंट 89 रुपीज। आपको 89 रुपीज पहले ऑर्डर का डिस्काउंट मिल रहा है। ये 89 रुपीज डिस्काउंट क्यों मिल रहा है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको एक कूपन कोड बताया था कि उसे आप जैसे ही पंच करेंगे आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा सबसे पहले ऑर्डर पे। तो
उस कूपन कोड को पंच करने के लिए यहाँ पर मुझे 89 रुपीज का डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है। तो आप अगर वो कूपन कोड पंच करते हैं तो आपको भी पहले ऑर्डर के ऊपर इसी तरह से डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप वहां से कॉपी करके याद से उसे पंच कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे कैश कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर लिखा है। अब यहाँ पर एंटर क्या करना होगा अमाउंट हमें, यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट का फाइनल कॉस्ट क्या था, 357 रुपीज। अब 357 तो एक्चुअल कॉस्ट है प्रोडक्ट का, इसके ऊपर अब हमारा कमीशन हमें ऐड करना है। अब मान लीजिए इस प्रोडक्ट का कॉस्ट आपने अपने फ्रेंड को 500 रुपीज बताया होगा, 500 अगर आपने बताया इस प्रोडक्ट का कॉस्ट, तो आपको यहाँ पर 232 रुपीज इस प्रोडक्ट के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने अमाउंट एंटर कर दिया है। अब यहाँ हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ हमें शिपिंग एड्रेस डालना है, तो आपके फ्रेंड का एड्रेस आपको पहले से कलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर उसका पूरा डिटेल आपको एंटर कर देना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल एंटर कर दिया है। जब भी आप एड्रेस डिटेल लेंगे तो याद से ये सारी डिटेल आप ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव एड्रेस पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे इस तरह से एड्रेस सेव हो जाता है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो हम अगले स्क्रीन पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर समरी आपके सामने ओपन हो गया है। अब यहाँ आप देखेंगे सेंडर इन्फॉर्मेशन में लिखा है वेदांत। ये वेदांत इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रोफाइल एडिट करके मेरे बिजनेस का नाम मैंने वेदांत टाइप किया था। यहाँ पर वही नाम लिख के आएगा जो भी आप अपने बिजनेस का नाम टाइप करेंगे। आपके फ्रेंड के पास जब भी ये पार्सल पहुंचेगा तो उस पार्सल के ऊपर मीशो का नाम कहीं भी नहीं लिखा रहेगा। आप जो भी अपने बिजनेस का नाम डाले रहेंगे वो बिजनेस का नाम यहाँ पर मेंशन किया जाएगा और उसके बाद आपके फ्रेंड का नाम और आपके फ्रेंड का एड्रेस रहेगा जिन्होंने ये प्रोडक्ट आपसे मंगवाया है। और इस तरह से ये पूरा का पूरा बिल यहाँ पर प्रिपेयर रहेगा और बिल के ऊपर फाइनल अमाउंट जो है वो 500 रहेगा या फिर वो अमाउंट रहेगा जो अमाउंट आप अपने फ्रेंड को बताओगे। एक्चुअल कॉस्ट कभी भी किसी भी जगह पर मेंशन नहीं किया जाता है। यही सबसे प्लस पॉइंट है मीशो एप्लीकेशन का, जिसकी वजह से आज लाखों करोड़ों लोग मीशो एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं और काफी अच्छे पैसे कमा रहे हैं और दोस्तों यारों से अपना रिश्ता भी बनाए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लेस ऑर्डर आ रहा है, मैं आपको ऑर्डर प्लेस करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ सिंपल आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। ऑर्डर प्लेस हो चुका है, यहाँ मैं डिसमिस पे क्लिक कर दूंगा। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं यूर ऑर्डर इज सक्सेसफुल विथ आईडी सो एंड सो आपके सामने नजर आ रही है। और ये ऑर्डर जो अभी हमने बुक किया है ये मंडे 19 अक्टूबर को डिलीवर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है मार्जिन ऑन 232 रुपीज। मैं आपको एक और चीज बता देना चाहूंगा इस ऑर्डर से रिलेटेड, वो भी तो यहाँ फिलहाल मैं बैक पे क्लिक कर दूंगा। इसको ऑर्डर सेक्शन दिख रहा है, आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपने ऑर्डर किया है। अब मान लीजिए आपके फ्रेंड के पास ये प्रोडक्ट पहुंच गया। पहुंचने के बाद आपके फ्रेंड को ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, आपके फ्रेंड ने आपसे इंसिस्ट किया कि इस ऑर्डर को कैंसिल करवा दीजिए, तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर सिंपल आपको आना है, इस पर क्लिक कर देना है ऑर्डर पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रोल करने पे यहाँ कैंसिल ऑर्डर आपको नजर आ रहा है अभी, लेकिन मैं आपको बता दूं जब ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा तो यहाँ पर कैंसिल ऑर्डर नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा रिटर्न ऑर्डर और यहाँ पर आपको रिव्यू का ऑप्शन दिया जाता है। तो अगर आपके फ्रेंड को किसी भी कारण से ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही आसानी से ये रिटर्न भी हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल यहाँ पर रिटर्न ऑर्डर पे आके क्लिक कर देना है, जैसे मैंने कैंसिल पे क्लिक कर दिया है अभी। और यहाँ पर आप देखेंगे सिलेक्ट रीजन फॉर कैंसलेशन, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर काफी सारे रीजन आ जाएंगे, इनमें से कोई एक आप रीजन सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपके फ्रेंड बताएंगे जो एप्रोप्रिएट रहेगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप देखेंगे कैंसिल प्रोडक्ट का ऑप्शन है, आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे ऑर्डर हमारा कैंसिल हो चुका है। मीशो के जरिए दोबारा से एक डिलीवरी पर्सन जाएगा, प्रोडक्ट वहां से पिकअप करेगा और प्रोडक्ट पिकअप करने के बाद रिटेलर के पास रिसीव हो जाएगा। तो रिटेलर के द्वारा जो भी पैसे वहां से कलेक्ट किए गए हैं वो सारे पैसे आपके मीशो अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब आप
मीशो अकाउंट के जरिए अपने फ्रेंड को या तो दोबारा से नया ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या तो आप अपने पास से उसे पैसे यहाँ से रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए ये सारी बात हो गई कि किस तरह से हम पैसे यहाँ से कमाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से कमाए हुए पैसे को आप बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो उसके लिए दोबारा से मैं यहाँ अकाउंट सेक्शन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है बैंक अकाउंट, इसके ऊपर आप सिंपल क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर आपके सामने कुछ डिटेल्स फिलअप करने के लिए आ गई है। यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पर आपको दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर कन्फर्म करना है, फिर आपको अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है और फिर यहाँ पर बैंक का IFSC कोड एंटर कर दीजिए और फिर यहाँ आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा और जितना भी कमीशन यहाँ पर आप कमाएंगे मीशो के जरिए सारा कमीशन सीधे आपके सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाया करेगा। तो आज का यह वीडियो यहीं तक। आपने देखा किस तरह से आप मीशो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके अपने घर बैठे काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मात्र आपको प्रोडक्ट अपने दोस्तों यारों को व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए शेयर करना है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपके सारे डाउट यकीनन क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपके कमेंट का रिस्पॉन्ड करेंगे। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं। हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।